तीन पा चार पानी पाधा पा। ये हो गए मेन। मित्रों नमस्कार, मैं संजय बत्की स्वर स्वामी ऑफिशियल एक स्वर स्वामी दो, इन दोनों चैनल के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। अब घसीट किस चीज को कहते हैं? तो घसीट ये होती है कि अगर पहले नंबर के घर वाला पांचवें नंबर के घर में जा रहा है तो बीच में दो तीन चार को है हेलो कैसे हो चलो नमस्कार, उनके स्टेयरकेस पे जाएगा, रुकेगा वहां पे, चलो दरवाजे पे जाएगा, नमस्ते कैसे हो क्या, पूछ पूछ कर जाएगा, काम भी नहीं होगा उनको वहां पे, फिर भी कैसे हो भाई साहब, अच्छे है, ओके ओके, ये पूछ कर तीनों घरों की चौकसी करेगा, उसके बाद में पांचवें घर में पहुंचेगा। इट्स कॉल्ड घसीट। जो निकला है प से नीचे प के बीच में जितने भी घर लगे हैं, इस तरीके से मीट और घसी दो सर ये कौन सा राग है? ये राग एक नहीं है, इसमें बिहागड़ा भी है, इसमें नंद भी है, दोनों मिस कर दिया। अब बोलो इसको नंद बिहाग, नंद बिहागड़ा, कुछ भी नाम रखो। राग निकलने के लिए तो 50 निकलते हैं, पर जो लोगों के आत्मा में सुन सुन कर बसे हुए उसी राग पे रियाज करो। इसका मतलब अनवट सीखना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अनवट सीखना, पर जैसे एक मैं उदाहरण बोलता हूं, किसी महफिल में आपने अगर जनरल लोगों के पहचान का अगर गाना गाया तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, और नया गाना रखा तो वो सुनते हैं। ना शब्द समझ पाते हैं, कितना भी क्लियर बोलो ना समझे, शब्द समझ में आ गया तो अर्थ समझने में उसको टाइम लगता है। अब अर्थ समझ में आ गया तो फिर ये कैसा लग रहा है, किसके तो भी जैसा लग रहा है, ये उसी में उनका निकल जाता है समय। गाना सुनने का तो बात अलग रहता है, पर ये यार मेरे को ये कैसा तो भी लग रहा है, ये कैसे गाना सुनते नहीं है क्योंकि नया गाना रहता है। अब जो शब्द उनको याद रहते हैं, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, आगे बहुत बहुत बढ़िया, आप आगे का बोलो मत, वो शुरू हो जाते, क्या गम है जिसको छुपा रहे, वो शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम रहता है वो तुम्हारे साथ में, वो गाने के साथ में जो भावनाएं होती है ना उसमें, वो शब्द भावना उस श्रृंगार जो रस है उसमें खो जाते हैं। नए गाने में ये सब लैकिंग होता है उनके लिए, वो खाली सुन देते हैं वो आपका गाना, उस न बोल पाते ना आपके साथ में वो जुड़ पाते हैं दिल से। तो पहले जो फिर देखो कौन से चलते हैं कैसेट में, जो लोगों के सामने गाने सुने हैं 50 बार पहले, तो फिर डिमांड करते कि नहीं वो गाना गाओ। Da-d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 a
रे रे दे ना रे दे ना ना दे रे दे ता ना दे रे ना ना दे रे दे ना ने ना लहराई दे ना ना रे रे दे ना ना ने रे ना Na 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 मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेन पर्पज मेरा है कि आप लोग ये सब चीज समझ लो। अरे ये तो मास्टर सारी भाषण देता है, ये तो ऐसा है वैसा है, बोलने दो यार, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जैसा लगा उसने वैसा सोचा तो ना, किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। अगर इनके पीछे लगे तो हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो हमको जो आपको सिखाना है, जो कि आपको जनरल इसमें एग्जाम के इसमें नहीं मिलेगा, वो चीज मैं आपके दिमाग में रखना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ, आपकी नजर खोलना चाहता हूँ कि ये चीज करोगे तो ऊंचा भी गाओगे, नीचा भी गाओगे, झूम के गाओगे, खटका गाओगे, समझ के गाओगे।